ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में रात से लापता 2 महीने के बच्चे का शव नाले में पड़ा मिला। बच्चे के परिजनों ने पड़ोसी पर बच्चे को अगवा कर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक कल रात पड़ोसी से उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उनका बच्चा गायब हो गया था। बच्चे के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी को जिंदा जलाकर मार दिया। मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके में हुई इस वारदात में मरने से पहले पत्नी ने पुलिस को बयान देकर घटना का खुलासा किया। मृतक महिला के बयान के मुताबिक पति और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। पति शराब पीकर पिटाई भी करता था। पुलिस ने फरार पति और सास ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। यूपी के इलाहाबाद में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि रात में मेले से वापस लौट रहे बच्चे को गांव के 2 दबंग युवकों ने बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। खून से लथपथ बच्चे को इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दोनों आरोपी युवक फरार हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की और सड़क भी जाम कर दिया। यूपी के जौनपुर में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के हाथ पैर बंधे थे। महिला ने प्रेम विवाह किया था। ससुराल वाले उसे अपनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 15 दिन से वो ससुराल में ही रह रही थी। रविवार सुबह उसकी लाश रास्ते में मिली। शव पर चोट के भी निशान थे। बिहार के बेगूसराय में पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह अपने बाइक से जा रहे थे। रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस इलाके की घेराबंदी कर हत्यारों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। MP के अंबिकापुर में एक युवती के साथ रेप का आरोप लगा है। पीड़ित की हालत इतनी गंभीर है कि वो कुछ भी बताने में असमर्थ है। उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के मधेपुरा में एक 35 साल के शादीशुदा युवक का शव पेड़ से लटका मिला। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक ने खुदकुशी की है या उसकी हत्या की गई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। बिहार के शेखपुरा में जमीन विवाद में 70 साल के दवा व्यापारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। विवादित जमीन पर इमारत बनाई जा रही थी। जब कारोबारी लखन ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बेतिया में एक महिला की लोहे के छड़ से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक महिला 2013 में अपने पति की हत्या के आरोप में जेल गई थी। 2016 में जेल से बाहर आने के बाद वो गांव में अकेली रहती थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे वो विवादित जमीन है, जिसे महिला बेचने वाली थी। बिहार के भोजपुर जिले के बेलाउर गांव में गैंगवार में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 40 साल के मुन्ना मिश्रा बाइक से कहीं जा रहे थे। पहरे से घात लगाए 2 बदमाशों ने उन पर पिस्टल से गोलियां बरसाई। पुलिस के मुताबिक मुन्ना मिश्रा की हत्या बेलाउर गांव में कई सालों से चले आ रहे गैंगवार की वजह से हुई है।